एक बार तो बोलने दीजिए, दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। अब जनता के सवाल, जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए।